तो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं प्रिया के लेके आ गया हूँ स्पीकर, लेकिन उसको पता नहीं है। अभी मैं इसको छुपा दूंगा और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। आज हो गई शाम और जो मैंने आपको बताया था वो आज है, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हम सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर सेट कर दें ताकि हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। तो गाइज आज वो सेलिब्रेशन का दिन आ गया है, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहें। आज हम किस टाइप से सेलिब्रेशन करते हैं तो मैं आपको पूरा आज के व्लॉग में बताऊंगा। तो अभी जो मॉर्निंग का समय है तो मुझे दूध का थैली वगैरह लाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं दूध और बिस्कुट लेने चला जाता हूँ, उसके बाद वापस आके चाय बनाते हैं। गाइज अभी दूध का पैकेट लेके आ गए हैं और प्रिया ये झाड़ू वगैरह निकाल रही है। नवीन भी उठ गया है, इंद्रिया अभी तक सो रही है और ये भी अभी तक नहीं उठी है। अभी आप देख सकते हैं गाइस मेरे द्वारा चाय बनाई जा रही है, तो प्रिया बाहर कुछ काम कर रही है तो मैं फटाफट से चाय बना देता हूँ। चाय बना के अपन पी लेते हैं। आज नवीन को बुखार भी बहुत तेज है, तो सबसे पहले हम आज नवीन को हॉस्पिटल दिखाएंगे, इसके बाद ही काम पर जाएंगे। अभी चाय बन जाता है, चाय पीकर नहा धोकर सीधा है जो हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइज, चाय हमने पी ली है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए बार बार चाय पियेंगे क्योंकि हमारे साथ है चाय का वो कीड़ा जो सबसे अच्छा है इसको चाय लगता है। अभी ये काकड़ी सोल रही है और काकड़ी का हाक बनेगी आज मारवाड़ी में ब्लॉग बनाएंगे भाई साहब। आप देख सकते हैं जैसा कि मौरी लुगई आज काकड़ी सोल है और काकड़ी सोल ने काकड़ी और हाक रौन दी, तो जल्द से जल्द देखते हैं किस पाँच हिंदी आ गई। तो वेगो वेगो काकड़ी हाग हिंदे है जड़े मैं बैठो बैठो इनो वीडियो बनाऊँ, मैं हाग हिंद तो पौड़ी थानों बता दूँ कड़ो हाग बनियो ओ है मारो है प्योर मारवाड़ी। तो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है कि प्रिया बना रही है काकड़ी, तो काकड़ी का साग ये बना रही है। हमारे का आज व्रत है लेकिन अरविंद के लिए सब्जी वगैरह बना रही है क्योंकि वो टिफिन में ले जाएगा फैक्ट्री। तो हम दोनों के आज गुरुवार का व्रत है। आपको बता दूँ कि आज है जो हमारा है वो क्या क्या है क्या है क्या आज शंकर भाई शंकर भाई मतलब क्या बताया हुआ। तो देखो ये साग बना रही है और इसको ये पता नहीं आज क्या है, आज मुझे विश नहीं किया तूने क्या आज आज के दिन क्या हुआ था नहीं पता। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आज के दिन इस पड़ा को मैं अपने घर लेके आया था याद है यार पड़ा। हाँ तो ये आज ही वो दिन है 29 सितंबर जिस दिन मैं इस पड़ा को अपने घर लाया था और अपने साथ जोड़ा है। मत कर छोड़ मैं जाऊँ चाचन के लगा जा, जा। मनो कौन तू मनो कौन चाचन के लगाए जा नहीं नहीं चाचन के आप लगा छोड़। तो गाइज मैं और नवीन दोनों अभी हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो अंदर जाएंगे और इसको तो डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या कहता है उसी हिसाब से दवाई वगैरह लेंगे और फिर वापस घर चलेंगे। तो गाइज अभी पर्ची बनवा लिया है, अभी डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। तो फाइनली गाइज नवीन के दवाई ले लिए हैं और आप देख सकते हैं इतना सारा दवाई दिया है, बहुत सारा दवाई दिया है, अब ये खाएगा तभी ठीक होएगा। तो अभी इसको डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा दिया, डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ है नहीं, वायरल बुखार है और खांसी हो रहा है तो ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, ये दवाई दीजिए। तो गाइज अभी ये दवाई लेके आ गई और ये सब फौज बार क्या कर रही है पता नहीं, नवीन के दवाई वगैरह लेके आ गए हैं। बहुत गाइज परेशान हो गया हूँ मैं, नवीन की ये तकलीफ़ मेरे से देखी नहीं जा रही है तो ठीक ही नहीं हो रहा है गाइज, दवाई दिला दिला के परेशान हो गया। तो फिलहाल भाई साहब प्रिया है जो नवीन के लिए खाना खिला रही है और इसके लिए ये खाने में रोटी चूर के इसको खिला रही है। तो गाइज नवीन को दवा वगैरह दिला दिया है और काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो मुझे फटाफट ऑफिस जाना पड़ेगा और वापस ऑफिस से जल्दी घर भी आना पड़ेगा क्योंकि आज नवरात्रि है। तो ये है जो चार छोटी छोटी बच्चियों को जिम आएगी क्योंकि नवरात्र कर रही है, तो आज गुरुवार भी है और हमारे शादी का सालगिरह भी है, तो ये है जो बच्चियों को जिम आएगी तो इसलिए मुझे वापस थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो अभी फटाफट से फैक्ट्री चला जाता हूँ, जो अर्जेंट काम होता है वो करके मैं वापस घर आ जाता हूँ। तो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं प्रिया के लेके आ गया हूँ स्पीकर, लेकिन उसको पता नहीं है, अभी मैं इसको छुपा दूंगा और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। तो चलो अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं। डिंपल ए डिंपल आड़ गोल
छुपा दिया इसको। सामने बैठ, चुप चुप कहीं बताओ। ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चुप चुप नहीं क्या मम्मी? हेलो, सो रही हो क्या? ये गिफ्ट मैं जाऊं पास फैक्ट्री कल थैंक यू कहना। प्रिया के जो गिफ्ट चाहिए था वो लेके आ गया हूँ और इसको दे दिया हूँ। वो स्पीकर की इसको जरूरत थी और अभी फटाफट से प्रिया जो खाना बना रही है तो वो आप देख लीजिए। ये देखिए प्रिया खाना बना रही है और जट से अभी हमें बहुत कुछ काम करने हैं, वो सब काम करेंगे हम फटाफट से। तो आप हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहें, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइज, तो आज हो गई शाम और जो मैंने आपको बताया था वो आज है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी सवासनियाँ है जो इकट्ठी हो गई, सभी लड़कियों को आज जिम आ रहे हैं, हमारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज। तो हम कोई केक वगैरह नहीं लाए हैं, सिर्फ घर में ही खाना बनाया और घर में ही मीठा बना दिया, मीठा चूरमा जो राजस्थानी खाना होता है, मीठा चूरमा सब्जी वगैरह बना दिया है और आज हम सब घर में ही सेलिब्रेशन करेंगे। तो सभी हमारे बच्चे लोग इकट्ठे हो गए, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल है और अभी हम थोड़ी देर बाद सेलिब्रेशन करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा ना हो उससे पहले पहले सेलिब्रेशन कर ले, लेकिन प्रिया अभी अंदर है जो खाना वगैरह सब तैयार कर रही है, तब तक हो सकता है हमें टाइम लग सकता है। तो हेलो कर दो सभी, हाय कर दो। तो सभी बच्चे लोग हमारे पास बैठे हैं और अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे तो बने रहे हमारे वीडियो में एंड तक। तो देखो गाइज, सभी बच्चे हैं, वो क्या है कि मैं बैक कैमरे से लिया है तो ढंग से आया नहीं, बहुत दूर से आया है, तो अभी मैं वापस इन सब का ले रहा हूँ तो ये फ्रंट कैमरे से, ताकि जूम इन हो और अच्छे से एकदम सबका आ जाए। क्यों बदमाशी कर रही? तो सभी जोर से बोलो हाय, बोल दो एक बार सभी, और बोलो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय कर दो सभी। तो गाइज, हमने बहुत अच्छे से हमारे जो 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और आज हमारे शादी की सालगिरह है, उनका हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, लेकिन हम केक वगैरह कुछ लाए नहीं, हमने घर में ही वो चूरमा वगैरह बनाया उसी का हमने सबने सेलिब्रेशन किया है और अभी हम सब खाना खा रहे हैं। तो आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे और आगे भी इसी प्रकार बना रहे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट फेसब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, अभी इसका सीन कुछ ऐसा है कि केले पड़ गए थे कम, जो अभी मैं लेके आ गया हूँ और सभी बच्चों को ये केले दिए जाएंगे। देखो सब बच्चे से खेल रहे हैं और ये लग जाए पीछे परात में तो गिर जाओगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बच्चे, तो अभी गाइस ये देख सकते हैं प्रिया है जो सभी छोटे छोटे बच्चों के ये तिलक लगेगी और तिलक लगाने के बाद इन सबको सबने खाना तो जिम लिया अभी। और अभी देखिए सबको केला देंगे, एक तो केला खाएंगे, केले में ये नमूस है और मीठा होता है। Yeah.
ये देखो इसको प्रणाम कर रही है गाइस। तो अबे तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है बेटा, बेटा तेरा नाम क्या है, क्या नाम है तेरा? वर्षा के अभी है जो ये रोली बांध रही है, रोली रोली है? तो सभी बच्चे हैं जो आराम से बैठे हैं आज, बहुत सबने एंजॉय किया गाइस, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो ये कार्यक्रम अभी बहुत ही लंबा है, तो अभी टाइम लगेगा, तो हम इसको बराबर से क्लियर करते हैं। चलो नहीं चलो, और अभी हम रहे दोनों जगह पीछे। तो आज हमारे शादी की सालगिरह है, तो हम भी है तो कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। हम देसी है तो कोई केक वगैरह कुछ नहीं लाते हैं, और देसी स्टाइल में हमें जो सेलिब्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 11वीं साल का ये 11वां